सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो कुछ इस तरह का हो गया है, क्योंकि इसकी जो टेप थी वो बहुत टाइट हो गई, मतलब ये जो प्लांट जो है वो ग्रो होने लगा है और जो उसकी टेप है वो ऐसे ही थी, तो कुछ इस तरह से वो टाइट हो गया। अगर आपका भी इसी तरह से कोई भी प्लांट में हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो टेप होती है उसे सावधानी के साथ निकाल दीजिए और इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और कुछ दो तीन दिन में ये जो पोर्शन है वो जो पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लांट का भी जो है कैम्बियम लेयर का ग्रोथ देख सकते हैं। ये जो प्लांट है इस पर मैंने जो पहले ग्राफ्टिंग की थी वो फेल हो गई, तो इस पर मैंने उसे काट के उसके नीचे फिर से एक और ग्राफ्टिंग कर दी तो जो है सक्सेस हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं जो कैम्बियम लेयर जो है रेड कलर में दिख रहा है वो जो है कैम्बियम लेयर की ग्रोथ है। तो ये जो हमारी ग्राफ्टिंग थी वो अच्छे से सक्सेस हो गई। तो अगर आपके भी कोई भी ग्राफ्टिंग पोर्शन ग्राफ्टेड प्लांट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे चेक कर लीजिए। अगर आपका भी ग्राफ्टिंग पोर्शन कुछ इस तरह से टाइट हो चुका है तो उसे आप जल्दी से निकाल दीजिए और उसके बाद उस पर आप फिर से प्लास्टिक टेप को हल्के से रैप करके भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर ग्राफ्टिंग पोर्शन अच्छे से इसमें कैम्बियम की ग्रोथ नहीं हुई है तो आप इसे फिर से उसके ऊपर हल्के से टेप से रैप कर दीजिए। और इसी तरीके की स्टोन ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप बिगिनर है, आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है, तो आप इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। और अगर आप एक ही प्लांट पर दो तीन रूट स्टॉक लगाकर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देखिए।